नमस्कार किसान भाइयों, ये हमारी चेन वाली जो रीपर है इसकी फिटिंग के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। ये जो अपना रीपर है इसमें यहाँ पे 4 वोल्ट लगे रहते हैं, इसके साथ हम ये आपको 2 पाइप देते हैं ये वाले, जो कि 4 वोल्ट यहाँ पे लगते हैं दो साइड। और ये जो रीपर में ठिया होता है ये, इसमें भी 2 वोल्ट यहाँ साइड में और 2 वोल्ट इस साइड में दिए जाते हैं, जो कि एकदम 30 डी वाले फिट करना। उसके बाद में हम आपको ट्रैक्टर के हिसाब से, जैसे कि ट्रैक्टर आपका जो भी हो उसके हिसाब से हम आपको ये पट्टे साथ में देते हैं, ये आपको बेल्ट कराना होता है। उसके बाद में आपको ये पंप दिया जाता है, इसमें एक बोल्ट यहाँ पे है और ये मतलब फिट करना होता है इसको, ये यहाँ पे भी 2 बोल्ट लगते हैं। ये भी एक बहुत आसान तरीका है। उसके बाद में आपको ये मोटर में 2 पाइप लगाए जाते हैं, ये 2 पाइप हैं डिस्ट्रीब्यूटर से आएंगे, एक ऊपर एक नीचे लगता है, और एक पाइप लगता है पंप में, जो कि वहाँ से अपना चलता है पंप। ये भी आपको ये बता दूँ, ये जो 2 पाइप हैं मोटर वाले, ये जो है अपने इस साइड में लगाए जाते हैं, जो अपने रिवर्स हार्वेस्टिंग स्विच है ये, इसको अगर पीछे चलाओगे तो फॉरवर्ड चलेगी, आगे चलाओगे तो रिवर्स चलेगी। उसके बाद में एक जो सिंगल पाइप लगा इस साइड में, आपके इस साइड में जो हाइड्रोलिक उठाएगा पैसा उससे वो उठाता है। अभी हम आपको चला के दिखाएंगे, उठा के दिखाएंगे अभी आपको। उसके बाद में इसमें अपना यहाँ पे पावर लिखा होता है डिस्ट्रीब्यूटर में, जो कि आपको जो पंप से जो पाइप आता है उसको आपको यहाँ पर कनेक्ट करना होता है, ये बोंजो बेल्ट लगा के यहाँ पर कनेक्ट करना होता है। उसके बाद में ये पाइप अपना इसमें यहाँ पे पावर की यहाँ पे पी लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर में, उससे कनेक्ट कर दिया जाता है। और दूसरी साइड में एक टी लिखा है, जो कि अपने ट्रांसफॉर्मर वापस आ जाता है उसमें से, उसको उसी के जो खोलते हैं ये खोलते हैं, उसमें भी एक बेंजो बोल्ट लगा के उसको उसमें कनेक्ट कर दिया जाता है। ये भी एक ईजी है, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है वैसे। इसको अगर आपको रिपोर्ट के ऊपर उठाना है, ये आ रहा है, ये